आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कश्मीरी चाय, और इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं अभी आपको लिखवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताती चलूँ अगर इसकी रिटर्न रेसिपी आपको चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाके इसकी रिटर्न रेसिपी ले सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो अभी हम आपको बनाना सिखाते हैं कश्मीरी चाय। ये रही चीज़ें, देखिए पानी आपको नज़र आ रहा होगा, 3 कप मैंने ले लिया है और दूध हमने लेना है 2 कप। और यहाँ आपको कश्मीरी चाय नज़र आ रही होगी, मैंने 1 टेबलस्पून भर के ले लिया। यहाँ मेरे पास पिस्ते और बादाम पड़े हुए हैं कटे हुए, ये मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून। चीनी 2 टेबलस्पून ले ली है और 3 मैंने सब्ज़ इलायची लेनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, जो ये कश्मीरी चाय है, मैंने जो दूसरी चाय है उसके साथ भी मैंने ट्राई किया है बनाने का, लेकिन ये कलर बिल्कुल भी पिंक नहीं आता उसका, बहुत बहुत लाइट पिंक आता है, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल दूसरी चाय देसी जो हम बना रहे हैं वही है, कश्मीरी चाय नहीं बनती उसके साथ। लेकिन मुझे ये चाय किसी से मिली है और मैंने ली है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर चाय के अंदर हल्का हल्का गुलाबी कलर ऐड है। तो जो भी चाय बनाते हैं वो गुलाबी कलर ज़रूर ऐड करते हैं, तभी जाके ये गुलाबी चाय बनती है, बिना कलर ऐड किए गुलाबी चाय कभी बन ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा हम लोग ट्राई कर चुके हैं और हम लोग वैसे जो देग वगैरह पकाते हैं लोग उनसे भी पूछ चुके हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि कलर ऐड किया जाता है, तो सोडा ऐड किया जाता है, फिर ठंडा पानी, फिर आइस वगैरह। इन सब झंझट से दूर हमने एक चाय मंगवाई है पाकिस्तान से, इसके अंदर ऑलरेडी कलर ऐड है, हमें सोडा वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं, आइस वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अभी हम ये बनाएंगे कश्मीरी चाय और आपको बताएंगे कि कितनी आसानी से हम इसके साथ बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने 3 कप पानी को अच्छी तरह बॉईल कर लिया था और अब हम इसमें डाल देंगे चाय और देखते देखते देखिए इसका कलर गुलाबी होने लग गया है। तो ये कलर ही ऐड हुआ है इसके अंदर गुलाबी। दूसरी चाय आप बनाएंगे जो सब्ज़ चाय मिलती है उसके साथ बिल्कुल भी कलर नहीं निकलेगा इसका, हल्का सा गुलाबी आएगा। तो ये हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दी है और हमने इसको अच्छी तरह पकाना है, इसको 5 मिनट के लिए हाई हीट पर रख के 3 कप हमने पानी डाला था और 2 कप रह जाना चाहिए, इतना हमने इसको पकाना है। जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, ये हकीकत बात है कि हम लोग बहुत सारे लोगों से पूछ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, सब ने यही कहा है कि पिंक कलर ऐड किए बिना कश्मीरी चाय बन ही नहीं सकती। तो ये देखिए हमें रेडीमेड सब कुछ मिल गया, ना हमें सोडा ऐड करने की ज़रूरत है, ना हमें ठंडा पानी ऐड करने की ज़रूरत है, ना ही आइस वगैरह। तो अभी हम इसको 5 मिनट के लिए पकाते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। देखिए ये तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अच्छी तरह ये बॉईल हो चुकी है और पानी भी इसका तकरीबन 2 कप रह गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको छान लेना है, इसके अंदर जो पत्ती वगैरह और इलायची वगैरह उसको निकाल के, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या। ये देखिए अभी हम इसको छानेंगे, आपको जैसे नज़र आ रहा होगा 3 कप में से 2 कप पानी इसके अंदर रह गया है, देखिए। तो अब हमने वापस इसको पैन के अंदर डालना है, देखिए इसके अंदर हम डालेंगे ये चाय और अभी हम इसके साथ ही दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। जितना दूध आपने ऐड करना है इतना ऐड कीजिए। अभी हमने इसके अंदर दूध डाल के भी इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है, तो अच्छा खासा दूध डालें इसके अंदर, क्योंकि सब्ज़ चाय का मकसद ही ये है कि इसको इतना पकाना है, इतना काढ़ना है हम लोगों ने कि ये अच्छी खासी ठीक हो जाए। देखिए कितना अच्छा गुलाबी कलर आ गया है। तो इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए आप उसी तरह चम्मच के साथ ऐसे करते जाइए और इसको पकाते जाइए हाई हीट पर रख के, तभी सब्ज़ चाय अच्छी पकती है, ऐसे जैसे झाग बनना चाहिए इसके अंदर। तो इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर चीनी डाल देनी है, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, जितनी आप लेते हैं ज़्यादा कम जितनी भी, और मैं जितनी लेती हूँ मैंने डाल दी है। तो इसको अच्छी तरह अब हमने बॉईल आने देना है और फिर इसको ऐसे बीच करते रहना, ऊपर से नीचे ऐसे 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 करके। तो 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए इसको अच्छी तरह बॉईल आने पर 5 मिनट हो गए हैं, इसको मुझे ऐसे ही करते हुए इस कप के साथ ऐसे ही इसको बीट करते हुए, तो थोड़े से जो नट्स हैं बादाम और पिस्ता भी मैं इसके अंदर डालूंगी चाय के,
और थोड़े से हम गार्निश के लिए रख देंगे। चीनी वगैरह चेक कर लीजिएगा इस टाइम पे, अगर कम ज़्यादा हो तो आप देख लीजिएगा। ये देखिए अभी हम इसमें डाल दिए हैं थोड़े से पिस्ता और बादाम, तो अभी हम 5 मिनट इसको और पकाएंगे ऐसे। और बिल्कुल आपने इसको छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि आपने गैस हाई कर दिया और इसको मिक्स नहीं किया और छोड़ दिया ताकि ये बॉयल आता रहे और पकता रहे, ऐसे नहीं। आपने इसको इसके साथ ऐसा कोई चम्मच हो आपके साथ तो उसको ऐसे करते रहिए, तभी ये कश्मीरी चाय अच्छी तैयार होती है। तो एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि अगर आपको ये कलर वाली कश्मीरी चाय नहीं मिलती तो आप दूसरी कश्मीरी चाय नॉर्मल वाली इस्तेमाल कर लें और चुटकी भर उसमें गुलाबी कलर ऐड कर लें, तब भी वो आपकी कश्मीरी चाय अच्छी बन जाएगी। तो ये देखिए इस तरह, अभी इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी। ये हमने जब दूध ऐड किया था तो ये 3 कप और बन गए थे, तो अब हमने इसको फिर 2 कप करना है दूध के साथ। आप देख सकते हैं 10 मिनट पकने के बाद अब ये चाय तैयार हो चुकी है। आपको मैं निशानी बताती चलूँ कि 10 मिनट 15 मिनट हमने इसको पकाना है। ये साइडों पे आपको दूध नज़र आ रहा होगा किस तरह ये पक पक के इस तरह ये किसकी क्रीम बन रही है। तो 10 मिनट हमने इसको पकाना है लाजमी दूध डालने के बाद, और 7 मिनट हमने पहले पकाया है इसको दूध डालने से पहले। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे, इस तरह हम कप में डालेंगे इसको चाय को, ये देखिए। और आपको बताती चलूँ पैन खाली हो चुका है और 2 कप हमने कहा था बनाने के लिए और 2 कप ही इसमें बने हैं। तो इसमें थोड़े से हम ड्राई नट्स ऐड करेंगे, ये देखिए ऐसे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।